देखिए, ये तो अभी तय होगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी ये काफी समय से राजनाथ सिंह साहब इस बात पर कर रहे हैं कि हमें मुल्क के अंदर ही उपकरण बनाने होंगे रक्षा के, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट की भी हमारी नीति है, बाहर दूसरे मुल्कों में बेचेंगे, ताकि जो रक्षा के ऊपर हमारा एक खर्चा आता है वो उसमें कमी हो। और इसके अंदर उन्हीं ने ये भी कहा, इससे पहले भी उन्हीं ने कहा था कि इसके अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी होगी, यानी प्राइवेट कंपनी भी होंगे। 4 से 6 सेंटर खबर के हिसाब से नए बनेंगे, जहाँ के ऊपर ये सामान बनेगा, उपकरण बनेंगे, फिर उसके बाद इनका इस्तेमाल एयरफोर्स या दूसरी जगहों पे किया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक हम ज्यादातर सामान अपना बाहर से खरीदते हैं काफी बड़ी मात्रा में। और दूसरे ये भी है कि अब जो नीति वो ये है कि जो सामान हम बाहर से भी लेते हैं तो उसमें हम कोशिश, भारत की खासतौर से राजनाथ सिंह की जो कोशिश है कि यहीं से यहीं पे बनाया जाए उनको, और प्रेशर डालते हैं कि जो तो बहुत सी चीजें भारत। फिर उसके बाद ये भी है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड को प्रोडक्शन की भी बात काफी समय से चल रही है और हो भी रहा है, जैसे ब्रह्मोस बनाई है या हम लोगों ने कुछ और चीजें बनाई हैं दूसरे दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर, रशिया के साथ, इसराइल के साथ और भी नए देशों के साथ, अलग से देशों के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है, जो यहीं पे बनेंगे और फिर उसके बाद हम इनको दूसरे देशों में बेचेंगे। एक बार अपनी जो डिफेंस नीड है वो पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसको हम मार्केट में भी ले जाएंगे, इसकी काफी डिमांड है, कई देश चाहते भी हैं, ब्रह्मोस को तो वियतनाम भी चाहता था खरीदना। और इसके अलावा इस तरह से एक विस्तार है और इससे ये होगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पे जो कमी भी आएगी अगर मार्केट अगर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फिर राजनाथ सिंह एक सुलझे हुए रक्षा मंत्री हैं, वो उनकी विजन है, बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, उनको काफ़ी तजुर्बा है गवर्नमेंट चलाने का और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, भारत को भी और रक्षा मंत्रालय के भी कार्य को उनकी बड़ी अच्छी नज़र है। आने वाले समय में बहुत अच्छी ताकत लेकर उभरेगा भारत। और जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें बनने लगेंगी, मार्केट भी हम कैप्चर करने लगेंगे, तो ताकत तो ऑलरेडी भारत एक बन चुका है। हाँ, इसमें ये होता है कि रक्षा में हर 5 साल के बाद आपको नए उपकरण, नई चीजें, नया रिसर्च डेवलपमेंट, अभी तक हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब ये है, ये गवर्नमेंट जो है खासतौर से राजनाथ सिंह साहब की बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपको रक्षा से जुड़े हुए जो उपकरण खरीदने हैं वो भारत में ही बनने चाहिए, तो उनके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट तो काम हो रहा। अबुल कमलाम के समय से शुरू हुआ था, हमने कुछ क्षेत्रों में तो बहुत उपलब्धि प्राप्त कर ली है, जैसे मिसाइल है और कुछ और क्षेत्र हैं उनमें का भारत का बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी डेवलपमेंट है, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन कुछ एयरफोर्स और सेना के दूसरे अंगों के लिए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए राजनाथ सिंह काफी काम कर रहे हैं। जी जी सर, थैंक यू सर।